तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच हमने सिक्स रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। इसके दो मेथड हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं एक मेथड से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले जैसा हमें पता है कि रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 1/2 से इनके सम को डिवाइड कर देंगे। तो 3 और 4 का हम सम लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे 1/2 से। इस तरह लिखने पर हम जब 1/2 लेंगे इसे, तो और यहां पर 3 + 4 = 7 आएगा, तो 7/2 हमारा पहला रैशनल नंबर आ जाएगा बिटवीन 3 एंड 4। तो इसी तरह हम रिपीटेडली इसे करके हम और रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसे कंटिन्यू करते हुए हम लेंगे अब 3 और 7/2। हम देख सकते हैं इसमें 7/2 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है। अब 3 और 7/2 के बीच में हम रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, सेम उसी प्रोसीजर से 1/2 लेके और 3 और 7/2 का सम लेंगे। 3 के नीचे हम 1 खुद पुट कर सकते हैं ताकि इससे हम आगे सॉल्व कर पाए। जब मैंने सॉल्व करेंगे एलसीएम 2 आएगा और ये 6 और ये 3 2 = 6 हो जाएगा +7। इस तरह करने पे ये 1/2 और ये 13/2 हो जाएगा और 13/4 आ जाएगा, जिसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। बस प्रोसीजर ये है कि 1/2 टाइम्स करना है उनके सम के, जिनके बीच का आप रैशनल नंबर निकाल रहे हैं। इसी तरह अगर हम इन दोनों के बीच में 7/2 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकाले, तो 1/2 हाफ ऑफ द सम ऑफ द टू रैशनल नंबर, 1/2 7/2 + 4, जो कि सॉल्व करने पे हमें 15/4 मिल जाएगा। 15/4 हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो 13/4 है ये 3 और 7/2 के बीच में हमें मिला, जबकि 15/4 हमें 7/2 और 4 के बीच में यहाँ पर हमें मिला। अब हम और रैशनल नंबर निकालने के लिए 13/4 और 3 के बीच में रैशनल नंबर निकालते हैं, फिर उसी प्रोसेस से हाफ लेके उनका सम करके एलसीएम आपको निकालना आता ही है। तो ये सम लेके हम इसका करेंगे तो ये 25/8 आ जाएगा। इसी तरह 15/4 और 4 के बीच हम 1/2 करेंगे, इनका हाफ करेंगे सम का, तो एलसीएम लेके 4 एलसीएम आएगा 15 और 1 जाए यहाँ, तो ये 1 जाए यहाँ पर है, तो ये 1 जा, ये 1 अपॉन हम खुद से ऐड कर सकते हैं इसमें, तो 1 4 जा 4 4 जा 16 और ये 31/8 आ जाएगा, 2 4 का 8 हो जाएगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमें ये रैशनल नंबर मिले 6, वो कौन कौन से, 25/8 13/4 7/2 31/8 और 15/4, इनके बीच में 3 और 4 के बीच में असेंडिंग ऑर्डर में भी है। तो 6 रैशनल नंबर ने फाइंड आउट कर दिया हमने, और हम इसमें ये 6 ही नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते, इनके बीच में। और आप देखेंगे अगर आप एनसीईआरटी के अपने सॉल्यूशन मिलाएंगे जो पीछे दिया है सॉल्यूशंस, तो इसे मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन सबके आ सकते हैं। तो प्रोसीजर ये होना चाहिए। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा।